Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 3.31 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने झारखंड में 3,31,942 फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसमें से 2,46,790 राशन कार्ड को डुप्लीकेसी के आधार पर रद्द किया गया है, यानी एक व्यक्ति का आधार नंबर व नाम से दो दो राशन कार्ड पाए गए। वहीं 85,152 ऐसे राशन कार्ड भी निरस्त किए गए हैं जिनसे उठाव नहीं किया जा रहा था। विभाग का मानना है कि वक्त राशन कार्ड केवल आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए बनवाया गया था। कार्ड बनाने के बाद से उससे राशन का उठाव नहीं किया गया था। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। कोयला मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को दी है हरी झंडी। देवघर महागवा के पास 30 किलोमीटर तक कोल ब्लॉक मिलने की वजह से अटकी पड़ी गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना का रास्ता अब साफ हो गया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हुए पत्र भेजकर बताया कि गोड्डा पीरपैंती रेल परियोजना चिन्हित हो चुका है। यह प्रोजेक्ट बरकरार है, रेलवे भी इस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है। वर्ष 2019 में 60 किलोमीटर लंबी गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का टेंडर महागवा के पास कोयला मिलने की वजह से रद्द हो गया था। राज्य सरकार ने फंडिंग में असमर्थता जता दी थी। इसके बाद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे रेल मंत्री पीयूष गोयल व कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर हर हाल गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने का आग्रह किया। वर्ष 2020 में सांसद डॉक्टर दुबे के कोल इंडिया रेल मंत्रालय व NTPC के अधिकारियों के साथ दिल्ली में कई बार बैठक भी हुई। इस बैठक में किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चालू करने का प्रस्ताव सांसद ने दिया था। अंत में कोल मंत्रालय ने गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का एक अलॉटमेंट रेलवे के साथ मिलकर फिक्स कर दिया। सांसद ने कोयला मंत्री से इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने का प्रस्ताव भी दे दिया है, जिससे कोल इंडिया को फायदा होगा। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार व कोयला मंत्रालय के सहयोग से यह रेल लाइन बनेगा। कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही। अगली वार्ता अब 19 जनवरी को होगी। कृषि कानूनों पर एक महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बातचीत भी आज बनती जा रही। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बरकरार है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया गया था, लेकिन किसान संगठनों ने इस समिति को सरकार समर्थक बताया है और साफ कहा है कि वे सरकार से बार बार चर्चा को तैयार है, लेकिन समिति के समक्ष नहीं जाएगा। किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य पहले ही सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में राय दे चुके हैं। खबर है झारखंड के सरायकेला से। आदित्यपुर के RIT थाना का बनेगा नया भवन, 2.25 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में RIT थाना है, जिसका मौजूद भवन काफी जर्जर हो गया है। लंबे समय से इसके जीर्णोद्धार की मांग हो रही है, तब अब जाकर पूरी होने जा रही है। अब यह तय हो गया है कि करीब 2.25 करोड़ की लागत से RIT थाना का नया भवन बनेगा। इस संबंध में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की टीम ने एक सप्ताह पूर्व थाना का निरीक्षण करते हुए निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। खबर है झारखंड के धनबाद से। 9 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ी धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस शुक्रवार यानी 15 जनवरी से फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। इससे यात्रियों को सफर के दौरान राहत मिल रही है। हालांकि यह ट्रेन कतरास में नहीं रुकेगी। पिछले 9 माह से कोरोना की वजह से इस ट्रेन को परिचालन बंद था। कोरोना काल के पहले धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कतरासगढ़, फुलवरिया व झालदा में था, लेकिन स्पेशल बनाकर चलाने के बाद रेलवे प्रशासन ने इन तीनों स्टेशनों से ठहराव हटा दिया है। खबर है झारखंड के बोकारो से। BSF में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। कुरियर एजेंट बनकर पुलिस ने फर्जी AIG को दबोचा। बोकारो में BSF में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने बड़े ही नाटक के अंदाज में गिरफ्तार किया है। कुरियर एजेंट बनकर पुलिस बिहार के भागलपुर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा।
आरोपी मानव राज शर्मा खुद को बीएसएफ का अधिकारी बताकर नौकरी देने के नाम पर युवाओं से रुपये ठगता था। आरोपी मानव राज को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो के बालीडीह पुलिस का एक अधिकारी और एक जवान पिछले एक सप्ताह से भागलपुर में कैंप किए हुए थे। जब इन्हें आरोपी के बारे में पक्की सूचना मिली तो कुरियर एजेंट बनकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इससे नौकरी के नाम पर पैसे के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। हालांकि आरोपी के अन्य 2 सहयोगी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने झारखंड के अलावा बिहार में भी कई युवाओं को अपने जाल में फंसाया है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के छतनी टाणक में रहने वाले 2 युवकों को भी आरोपी ने नौकरी देने के नाम पर झांसे में लिया और भागलपुर बुलाकर पैसे ऐंठ लिए हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 3 दिन तक सताएगी ठंड। 18 जनवरी से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। रांची में इस सप्ताह न्यूनतम तापमान के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को रांची का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके कारण एक बार फिर रांची में सर्द बढ़ गई है। धूप खिलने के बाद भी लोगों को कनकनी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रांची वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान रांची और आसपास के इलाके में सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, वहीं दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ हो जाएगा। राज्य भर के मौसम की बात करें तो राज्य के दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला में न्यूनतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है, जबकि गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। झारखंड में बर्ड फ्लू के 22 सैंपल की जांच हुई। इसमें से एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं 1434 नए सैंपल को भी जल्द कोलकाता भेजा जाएगा। इनमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के सैंपल भी शामिल हैं। बर्ड फ्लू होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट भोपाल स्थित जाँच केंद्र भेजी जाएगी, वहाँ से फ्लू की जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। झारखंड में निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड के निचली अदालतों में फिजिकल कोर्ट शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिजिकल कोर्ट शुरू करने से पहले कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक होगा। साथ ही निचली अदालतों को फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट लिस्ट जारी करना होगा। कोर्ट का संचालन सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप ही होगा। गुरुवार को हाईकोर्ट के जरी स्टार जनरल से निचली अदालतों के जिला जज को हाईकोर्ट का दिशा निर्देश भेज दिया है। कब से कोर्ट फिजिकल होगा इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। झारखंड में पहले दिन 48 केंद्रों पर लगेगा टीका। हर जिले में 2 केंद्र बनेंगे। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले दिन 16 जनवरी को मात्र 48 केंद्रों पर ही टीका लगाया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्य के 129 केंद्रों पर कोविड टीका दिया जाना था, लेकिन अब हर जिले में केवल 2 केंद्रों पर टीका दिया जाएगा। हर केंद्र पर 100-100 लोगों को टीका मिलेगा। यानी देश में टीके की लॉन्चिंग वाले दिन यानी शनिवार को यानी कि आज के दिन झारखंड में 4800 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लॉन्चिंग कार्यक्रम में यह बदलाव गुरुवार शाम केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जिसे केंद्र पर सुना जा सकेगा। झारखंड सरकार ने किया है साफ, अब नक्शा पास कराने के लिए ये कागजात है जरूरी। राज्य में बिना खतियान के नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों के नगर आयुक्तों, नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के सचिवों को इससे संबंधित पत्र भेजा है। कहा गया है कि राज्य में लागू बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृति के लिए म्यूटेशन रसीद व रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ संबंधित भूमि का खतियान अनिवार्य है। इन तीनों कागजातों को प्रस्तुत किए बिना नक्शों को स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ने मामले में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा था। और मैं आप सबको इस बारे में बता देना चाहता हूं कि RRDA ने केवल म्यूटेशन और रजिस्टर्ड डीड के आधार पर नक्शों की स्वीकृति देने का आग्रह किया था, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने मामले में महाधिवक्ता की सलाह मांगी थी। महाधिवक्ता ने बिल्डिंग बायलॉज और CNT एक्ट के प्रावधान की व्याख्या के बाद नक्शा पास करने के लिए रजिस्टर्ड डीड, म्यूटेशन और खतियान का होना आवश्यक बताया।
महाधिवक्ता की सलाह मिलने के बाद आरआरडीए का आग्रह ठुकराते हुए सभी निकायों व क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों को इसकी सूचना देते हुए निर्देश किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दी सहयोग राशि। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 51,001 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। इसी के साथ मंदिर निर्माण के लिए शुक्रवार को झारखंड में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई। राज्यपाल ने निधि समर्पण अभियान के तहत यह राशि चेक के रूप में उनसे राजभवन मिलने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही, क्षेत्र अध्यक्ष रामस्वरूप रुंगटा, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र बिमल, प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू, आरएसएस के प्रांत सह कार्यवाह राकेश लाल आदि को सौंपी गई। राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया के रूबरू होते हुए जगन्नाथ शाही ने कहा कि निधि समर्पण अभियान के तहत झारखंड में 25,000 गांव में संपर्क कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य है। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए 2,00,000 कार्यकर्ताओं की 25,000 टोलियां बनाई गई है। उन्होंने इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शीघ्र मिलने की बात कही। झारखंड में बीएड परीक्षा 2020 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएड प्रोग्राम की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज कर दी है। वे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल की झारखंड बीएड परीक्षा 2020 दी हो, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट अपना चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए JCECEB की आधिकारिक वेबसाइट का पता है jceceb.jharkhand.gov.in। जिन कैंडिडेट्स ने बीएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यह परीक्षा दी हो, वे चेक कर सकते हैं कि कोर्स करने के लिए उनका नाम चयनित हुआ है या नहीं। इस सूची में कैंडिडेट की बहुत सी जानकारी दी होगी, जैसे कि कैंडिडेट के नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी, मार्क्स, ऑब्डेंट और कैटेगरी रैंक। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।